हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 19 और 20 अगस्त का करंट अफेयर लेकर हम आप तक आए हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी आप तक लेकर आए। दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, और दोस्तों ये हमारी 213वीं क्लास है। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हाल ही में समर्थ योजना में कितने राज्यों ने कपड़ा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 16 राज्यों ने। हाल ही में 16 राज्यों ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर समर्थ योजना में हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। दोस्तों, 18 चुने गए राज्यों में से 16 राज्यों ने समर्थ योजना के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के तहत 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा। इन राज्यों के दोस्तों आपको नाम बता दें तो अरुणाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, मेघालय, झारखंड और उत्तराखंड है। दोस्तों, आपको इस समर्थ योजना के बारे में बता दें, ये क्या है आपको इसके बारे में बता दें तो इसका फुल फॉर्म है सेम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग द टेक्सटाइल सेक्टर। यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना है। इस योजना को केंद्रीय आर्थिक मामले कैबिनेट समिति के द्वारा 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और बुनाई जैसी पारंपरिक सेक्टरों में कौशल विकास और कौशल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इस समर्थ योजना में भारत में कुल 16 राज्यों ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है रवि शास्त्री। हाल ही में रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच चुन लिया गया है। दोस्तों, रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच, यानी दोबारा इन्हें कोच के लिए चुना गया है। यह निर्णय बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा लिया गया है। इस समिति में कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगा स्वामी थी। दोस्तों, गौरतलब है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के पद के लिए रवि शास्त्री, माइक हैसन, रॉबिन्सन, टॉम मूडी और लालचंद राजपूत ने आवेदन दिए थे। दोस्तों, आपको बता दें रवि शास्त्री का कार्यकाल वर्ल्ड कप 2019 के बाद समाप्त होना था, लेकिन इसे वेस्टइंडीज टूर के लिए बढ़ा दिया था और अब ये 3 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच चुन लिए गए हैं। दोस्तों, आपको रवि शास्त्री के बारे में बताना है तो इनका जन्म 27 मई 1962 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। इन्होंने दोस्तों भारत के लिए 150 एक दिवसीय मैच और 80 टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने नए प्रोडक्ट या उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 3। हाल ही में 3 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब ये 3 नए उत्पाद कौन से हैं आपको इनके बारे में बता दें तो पहला है तिरूर का पान का पत्ता। दोस्तों, तिरूर का पान का पत्ता केरल के मल्लपुरम जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि और उद्योग के लिए किया जाता है। दोस्तों, दूसरा उत्पाद है तहलुपान फैब्रिक। इस कपड़े का निर्माण मिजोरम में किया जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से आइजोल और थेनजाल में किया जाता है। दोस्तों, तीसरा उत्पाद है मिजो पुआनचेई शाल। ये शाल का एक रूप है और ये रंगीन शाल है। इसका जो मिजो है वह उत्सव, नृत्य आदि में उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, आपको जीआई टैग के बारे में पता ही है। जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। हिंदी में से विशिष्ट भौगोलिक संकेत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये उन चीजों के लिए प्रदान किया जाता है जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती है। आपको बता दें दार्जिलिंग चाय, तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुरी संतरा, कश्मीरी पश्मीना आदि के लिए ये जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के चमड़े के खिलौने को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है?
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पहली। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों अब आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत से अवार्ड और सम्मान से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को इनके यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस की घोषणा की गई। तब से सुशासन दिवस मनाया जाने लगा 2014 से, और ये जन्मदिन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दोस्तों इसके बाद 92 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1994 में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1994 में ही उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2015 में बांग्लादेश सरकार द्वारा बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान से प्रदान या सम्मानित किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो दोस्तों इतने अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों के सिवान। हाल ही में के सिवान को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख के सिवान को तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1980 में डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद दोस्तों ये GSLV चंद्रयान 2 जैसे मिशनों में शामिल रहे, और इन्हें दोस्तों 1999 में डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अब हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड की जो शुरुआत है वह 2015 में की गई थी, और इसे इसरो के वैज्ञानिक एन बलारमती को पहला एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था। इसमें 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 8 ग्राम का एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार ने के सिवान को दिया है, और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सत्यार्थ नायक श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार के लेखक हैं। दोस्तों श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक सत्यार्थ नायक हैं। यह पुस्तक श्रीदेवी की 56वीं वर्षगांठ पर लॉन्च की गई है। दोस्तों इस पुस्तक में श्रीदेवी के जीवन का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है यह पुस्तक श्रीदेवी पर आधारित है, जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, और इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में सिटी आई बस सेवा फ्री की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर में। हाल ही में इंदौर में सिटी और आई बस सेवा फ्री की गई थी। दोस्तों आपको बता दें ICTSL ने रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए हाल ही में इंदौर में आई बस और सिटी बस को महिलाओं और छात्राओं के लिए फ्री की थी। महापौर मंडला गौड़ और ICTSL के MD आशीष सह के द्वारा हर साल के ये आयोजन पर सिटी बस सेवा फ्री की जाती है, और इस बार भी यह सेवा फ्री की गई है इंदौर में। दोस्तों आपको इंदौर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आज मैं नहीं बताऊंगा, आप इतनी बार मैं आपको इंदौर के इंपोर्टेंट फैक्ट बता चुका हूं, तो आप उन्हें रिवीजन करें या रिवाइज करें और याद कर करके, आपके लिए ये इंपोर्टेंट है। दोस्तों मेरे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो आप एक एक चीज बहुत गौर से सुना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसका चयन एशियन एज ग्रुप गोताखोर स्पर्धा के लिए हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है
पलक शर्मा। हाल ही में पलक शर्मा का चयन एशियन एज ग्रुप गोताखोर प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया है। दोस्तों, गोताखोर पलक शर्मा का चयन 24 सितंबर को एशियन एज ग्रुप गोताखोर स्पर्धा के लिए भारतीय टीम में हुआ है। पलक नेहरू पार्क तरणताल में कोच रमेश व्यास के द्वारा तैयार की गई है। अभी तक इन्हें दो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए चुना गया है। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा से पहले पलक 19 अगस्त से पुणे में होने वाली विशेष प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी। तो आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश वासी हैं इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया है और इन्हें एशियन एज ग्रुप गोताखोर प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया है और इनका नाम है पलक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है आरती खकाल ने। हाल ही में आरती खकाल ने पुलिस वर्ल्ड पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, सीआरपीएफ की आरती खकाल ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स की ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोस्तों, यह यानी वर्ल्ड पुलिस गेम्स प्रतिस्पर्धा या गेम्स ये दोस्तों चीन में आयोजित किए जा रहे हैं और यहीं पर भारतीय आरती खकाल जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, इन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और यह स्वर्ण पदक इन्होंने ताइक्वांडो स्पर्धा में हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अनिल तिवारी। हाल ही में अनिल तिवारी को सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें इनके बारे में, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं और इनकी कॉलेज स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, इसके लिए इन्हें यह सुशिक्षा अवार्ड 2019 अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना बनाने वाले का नाम है हेनरी हॉबर्ट। हेनरी हॉबर्ट ने मध्य प्रदेश में पहली बार विद्युत योजना या बनाई थी या इसकी शुरुआत की थी। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 से शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कब से शुरू हुई, तो 1905 से शुरू हुई और पहला प्लान किसने बनाया था? तो इनका नाम है हेनरी हॉवर्ड। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, उज्ज्वला योजना में किस जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की गई है? जिसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन था दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में शिवराज सिंह, माफ कीजिएगा दोस्तों, कमलनाथ जी की सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।